मान्य सभापति जी, किसानों के हित से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की आपने अनुमति दी, उसके लिए धन्यवाद। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर श्री गंगानगर जिले के उपखंड क्षेत्र सूरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़, राजनगर, गढ़साना में आज किसानों द्वारा चक्काजाम किया हुआ है और चीफ इंजीनियर को पिछले 24 घंटों से बंधक बना रखा है। एक महत्वपूर्ण विषय, किसान जो हमारा अन्नदाता है, किसान जो गेहूँ उसकी रबी में गेहूँ, सरसों, चना पकाव की स्थिति में है, एकमात्र बारी का इंतजार करते हुए किसान चक्काजाम किए बैठा है। सरकार पोंग डैम में 1310 फीट की आज का लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए किसान एक बारी का इंतजार कर रहा है। अभी माननीय हमारे साथी विधानसभा के बाहर धरना दे रहे थे और चिकित्सा मंत्री जी गुजरे के वहाँ पोंग डैम में पानी नहीं है। 1310 फीट आज का लेवल है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को कहना चाहूँगा, इस तरह की समस्याएं पहले भी आई, पिछली सरकार में डॉक्टर राम प्रताप जब सिंचाई के मंत्री थे उस वक्त एक बार 1280 तक भी पोंग डैम के लेवल को लाके किसानों की इस चिंता से किसानों को मुक्त किया गया है, अन्नदाता को बचाया गया है। आपसे 10 दिन पहले इसी सदन में माननीय कासनिया जी ने इस बात को उठाया और पत्र के माध्यम से हमारे प्रदेश डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने मुख्यमंत्री जी को लिखा। सारी बातें आपके सामने, समय रहते चेता है, फिर भी सरकार नहीं चेती। आज स्थिति यह आ चुकी है कि द्वितीय फेज का किसान जो IGNP का 6620 RD से जैसलमेर तक कोला होते हुए जाता है, वो उस किसान की रबी की फसलें तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। वो किसान तो खून के आंसू रो रहा है और अब प्रथम फेज का किसान जो हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले में वो अपनी फसल के शाम दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं, उसकी आंखों में खून के आंसू है माननीय अध्यक्ष जी। और पोंग डैम के लेवल को नीचे लाके उनको बचाया जा सकता है। पूरा किसान चक्का जाम किए बैठा है, पूरी मंडियों में हड़ताल है। किसान हित की बात करने वाली सरकार जो कुछ दिन पहले दोनों जिलों में किसान की फाट तोड़ के आई है, अब किसान की कमर तोड़ने का काम नहीं करे, किसान को बचाने का काम करे, ये मांग करते हैं माननीय अध्यक्ष जी आपके मार्फत और सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण मांग पे, किसान के हित में तुरंत पोंग डैम लेवल नीचे लाके किसान को बचाया जाए, उसकी रबी की फसल को बचाया जाए, गेहूं, चना, सरसों को बचाया जाए। धन्यवाद। कोई अंकित नहीं होगा, को सिंचाई पानी दिया जाए, अंकित नहीं होगा, कोई अंकित नहीं होगा, माननीय राम, कोई अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, कोई अंकित नहीं होगा, कोई बेटा प्लीज, ये कोई थोड़ी क्या आपने लिख के दिया गया, बेटा नीचे बैठे, नहीं लिखा, अंकित नहीं होगा, बेटा नीचे बैठे, ये विधानसभा है, पंचायत नहीं, बेटा नीचे बैठे आप, ये क्या गलत बोले, बेटा नीचे बैठे, अंकित नहीं होगा। जितने भी सदस्य माननीय गंगानगर जिले के आ रहे हैं वही समस्या से सम्मिलित है, उन सब की भावना को इसमें अंकित किया जा रहा है, इसलिए आपको अब ज़्यादा इसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो माननीय सदस्य ने उठाया उसमें आपकी भावना को भी सम्मिलित करके सरकार का ध्यान आकर्षित करने के संबंध में आपने कहा, धन्यवाद। श्री अमृतलाल मीणा,